बेटा आपका ये सिलेंडर। बेटा बेटा क्या होता है, आपको बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैडम बोलो। सॉरी मैडम, बोलने को कह रही है। रखो इसे बंदर। जी मैडम। बुड्ढे, किचन इधर है, तू जाके अंदर लगा और खाली सिलेंडर वापस लेके आ। जी मैडम। अभी पता नहीं क्यों टीवी देख रहा है, बस टीवी देख रहा पैसे वापस नहीं देने क्या? बच्चों के पैसे वापस करो। हाँ हाँ मैडम। लेकिन लड़का जो है, लड़का लड़की को बिहेवियर इसका पसंद नहीं आ रहा। लड़की का जाओ अब। बेटा वो टीवी। अरे आपको समझ में नहीं आता कि एक बार मैं कि बेटा मत बोलो। सॉरी मैडम, मैं थोड़ी देर टीवी देख लूं। क्यों देखनी है, जाके अपना काम करो ना। ये अपने काम से बचने के लिए टीवी देखना चाहते हो आप? नहीं बेटा, मुझे वो मैच देखना है। आज इंडिया का मैच है ना, बस आखिरी ओवर बचा। इंडिया का मैच है तो अपने घर पे जाके देखो ना। अरे देखने दो ना, आ जाओ अंकल बैठ जाओ, देख लो। हाँ। देखो यार तुम और बढ़ावा दे दो इन्हें। अबे सिलेंडर वाला हमारे सोफे पे बैठ के टीवी देखेगा क्या? और इन्हें पता क्या है मैच के बारे में? पता तो नहीं है, पर वो खेल रहा है ना। हाँ वो खेल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो आप भी जाके अपना काम करो ना। अरे क्या हो जाएगा, सबका मन करता देखने का, और वैसे भी लास्ट ओवर चल रहा है, आ जाओ अंकल। तुम बीच में कुछ ना ही बोलोगे ना तो बेहतर रहेगा। और क्या कर लेंगे मैच देखकर, कौन सा इन्हें खेलना है? क्यों अंकल, खेलोगे क्या इंडिया के लिए? नहीं खेलना तो नहीं है मुझे। तो फिर क्यों जिद कर रहे हो मैच देखने के लिए? क्योंकि बेटा अभी जो प्लेयर खेल रहा है ना, वो मेरा बेटा है। बेटा निकला इसका, इंडिया का जो प्लेयर है वो बेटा निकला। आपका बेटा? क्या अंकल, ये आपका बेटा है? वो अरे अंकल क्या कमाल का खेलता है, कितना अच्छा फिनिशर है। देखो दो छक्के तो दो बॉल पे लगा चुका है, लास्ट बॉल बची है। और सर तुम्हें पता है, इनके बेटे ने अभी अभी करोड़ों का घर लिया इनके लिए। अंकल आपका बेटा इतना अच्छा मैच खेलता है इंडिया के लिए, इतने पैसे कमा रहा है, तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो? बेटा मैंने अपने बेटे को यही सब करके तो यहाँ तक पहुँचाया है, और भले ही वो आज करोड़ों कमाने लगा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना काम छोड़ूं। सही, मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, और बिना काम के मन भी नहीं लगता। और भले ही मेरे बेटे ने करोड़ों का घर ले लिया है, फिर भी मुझे अपने पहले हिसाब से ही रहना अच्छा लगता है। मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं बेटा, मेरा मतलब मैडम, जब तक आपको पता नहीं था ना कि मेरे बेटा इंडिया के लिए खेलता है, तब तक आप मुझे खड़े भी नहीं होने दे रही थी। और जब आपको पता चल गया कि मेरा बेटा इंडिया के लिए खेलता है, तो आप मुझे बैठा कर चाय भी पिला नहीं। बेटा यहाँ पर मुझे ये कहना है कि किसी के पैसे और शोहरत को देखकर उसकी इज्जत मत करो। इज्जत करनी है किसी की तो उसकी इंसानियत देखकर इज्जत करो। बेशक। ठीक है बेटा। मैं चाहिए कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी, कोई भी कैसा भी है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
नेक्स्ट वीडियो में।